ओ भाई ये क्या है? अभी 9 बज रहे हैं और 9 बजे भी इतनी धुंध। मतलब सुबह सुबह तो पड़ती है धुंध, पर 9 बजे भी इतनी धुंध पड़ रही है। बाय द वे, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, उठ गया हूँ मैं। 9 बज रहे हैं इस टाइम और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। बट इतनी ठंड में नहाने जाना भी मतलब एक बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए। वैसे मैं हाफ टी शर्ट में खड़ा हूँ, इतनी भी ठंड नहीं है। वैसे अभी मैं आया हूँ कौओं को फुलका डालने के लिए ऊपर, और धुंध देखो भाई कितनी धुंध पड़ी हुई है। आज तो कुछ ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। 10 बज रहे हैं इस टाइम, 10 बज गए और मैंने नहा लिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे रोटी खाने के लिए। आज मम्मी ने बनाई है परोंठियाँ, बनाई नहीं बनवाई है, मैंने मम्मी को बोला कि परोंठी खानी है। तो गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं, और अभी अभी जस्ट मैंने एक वीडियो एडिट की है, अभी मैं डालने वाला हूँ वीडियो। और मेरी रिसेंट वाली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में जो मैंने 7 दिन पहले डाली थी, 8 दिन पहले डाली थी, उसमें लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इसमें व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। लाइक तो वैसे अभी भी नहीं आ रहे, लाइक तो वैसे उसमें अभी भी कम है, बट उसमें व्यूज चलेंगे 1500 व्यू। 1500 व्यू आए कहाँ से मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब जब मैंने 7 दिन पहले डाली थी, 7 दिन पहले लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, बड़ी वाली वीडियो डाली थी, तब मैंने देखा था उसमें तब कोई 94 और 95 के करीब व्यूज थे। फिर तो मैंने देखना बंद कर दिया उसको, ठीक है। और आज कल मैंने देखा है उसमें 1500 व्यूज चले गए हैं, और इतने व्यूज आए कहाँ से समझ कुछ नहीं आ रही भाई। और फाइनली ये बंदा आज जल्दी उठ चुका है, 11:30 उठ चुका है। कल पढ़ के आया हूँ मैं, कल 8 बजे उठा था। ओ भाई सुबह भाई सुबह में ट्यूशन होती है, सुबह कोई ट्यूशन नहीं होती, सुबह की ट्यूशन होती है। हो जा यार, छुट्टियां बढ़ी मैं सुबह टाइम ही है। अच्छा अच्छा छुट्टियां बढ़ गया। कल भाई बंदा 2:30 बजे उठा, इसकी बेइज्जती की थी। आज 11:30 था मैं इसलिए लेट था। तो आज आज जल्दी सो गया था, जल्दी आज नहीं था, फोन चलाया होगा जल्दी से भाई। इसकी कल बेइज्जती की थी, ठीक ठाक मैंने कल 2:30 बजे उठा था, ठीक है। और आज ये बंदा 8 बजे उठ गया और 11:30 बजे अभी टिशन पड़ गया, आ भी गया मेरे पास। शुक्र है भाई, रोज जल्दी उठा गया। देखो मैं तो कहता हूँ भाई, बंदा कुछ भी करे पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक सो लो यार, इससे ज्यादा सो के करोगे भी क्या, पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन आपका खत्म हो जाता है। सुबह जल्दी उठोगे 9-10 बजे तक आप नहा लोगे ना, फिर आपके पास पूरा दिन पड़ा होता है कुछ भी करने के लिए। अभी मैं भी सुबह 9-10 बजे नहा लिया था मैंने, मैंने वीडियो भी एडिट कर लिया, ब्लॉग भी एडिट कर लिया, एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है। अब बड़ा बड़ा ब्लॉग डालने जा रहा हूँ 11:30 बजे ही, नहीं तो ऐसे जब मैं भी लेट उठता हूँ ना, फिर ना ही वीडियो डालने का मन करता है, ना ही कुछ करने का मन करता है, ना ही ब्लॉग बन पाता है हमारा। लेकिन आज हमारे पास काफी टाइम है वीडियो बनाने का, वीडियो डालने का, है ना। तो अभी बाहर धुंध धुंध पड़ी, बाहर धुंध भी तगड़ी पड़ी हुई है बाहर, देखते हैं बाहर भी अगर जाएंगे तो थोड़ा वीडियो शूट करेंगे, नहीं तो शाम को तो हमने जाना ही है स्टेडियम में एक्सरसाइज करने के लिए। नहीं ब्रो जाना है, जाना नहीं हो जाना डेली है। ऊपर अभी भी दिख रही है, हाँ दिख रही है, दिख रही है नीचे का मुंह, ये ऊपर देखो ऊपर दिख रही है, बस 200 मीटर तक दिखाई दे रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, धुंध पड़ी है। लकड़ियाँ लेने चलते हैं और मैगी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, चूल्हे में करें कुछ करते हैं। शाम को थोड़ी मजा आएगा, शाम को धुंध खत्म हो जाएगी, धुंध अभी बड़ी अभी खत्म हो जाएगी ना, ये धुंध नहीं खत्म होने वाली, देखो नहीं रहा तो लग रही है धुंध खत्म हो जाएगी। मेरा धूप निकल गई है, देखना ओ सूर्य चढ़ा ऊपर, और धुंध धुंध नहीं खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अभी चलते हैं लकड़ियां लाते हैं, लकड़ियां शाम हो जाएंगे, गिली गिली लकड़ियां बात है, मिली जाएगी ना, कैसे मिली जाएगी लकड़ियां बड़ी, तो नहीं थोड़ी लकड़ियां मजा पर आएगा यार, है मजा काफी आने वाला है। और देखते हैं करते हैं प्लान, अगर शाम तक ऐसी धुंध रही ना तो शाम को जाएंगे हम लकड़ियां लेने के लिए, लकड़ियां लाएंगे और चूल्हे में बनाएंगे मैगी, क्योंकि वो अलग ही मजा है यार। सही बात है या नहीं, मजा मजा अलग याद दिला गया। सही बात है, पिछले साल तो हम ऐसे ही करते थे, मतलब लकड़ियां लेने जाते थे शाम को, लकड़ियां लानी और घर में चूल्हे बालनी, फिर वहां पे मैगी बनानी, फुलके बनाने, पता हम सब कुछ खुद ही करते थे। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था क्योंकि तब मैं वीडियोस बनाना बंद कर चुका था। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट रहते थे ना छोटे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में, क्योंकि राम को करवाना अपना अबा कार्ड लिंक, तो वहां पे आया हुआ करने के लिए, अभी वहीं पे जा रहे हैं फिलहाल हम। चलो यार जल्दी कर, गया क्या बनता यार तू, 5 मिनट बोल के मान आधा घंटा हो गया खड़ा हुआ इधर। चलो अब देखी भाव क्या यार, चंगा बंदा तू यार, ये बंदे होते 5 मिनट का बोल के 1 घंटा लगाते हैं। इन बंदों की वजह से फिर भरोसा करने का मन नहीं करता यार, सीधी सी बात है। 5 मिनट बोला आधा घंटा लगा गया तू। भाई हम आए थे आंगनबाड़ी सेंटर में करवाने के लिए, लिंक करवाने के लिए, कोई आया ही नहीं हो यहाँ पे आज, पागल बना दिया ब्रो। इतनी ठंड में उठ के आए भी हम, वैसे हमारे पास ही ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इतनी ठंड में यार किसका मन करता आने का। और
मिले ही नहीं, और अभी धूप भी निकलना शुरू हो गई है, धुंध भी कम होना शुरू हो गई है धीरे धीरे करके। भाई घर से मेरे अपना आभा गार्डनिंग करवाने के लिए और पहुंच गया आर एस बाजार गेड़ी मारने के लिए। और भाई इतने लोग है ना इसे, लोग आई मीन इतनी लड़की है ना इसे ये देखो बाप दिखाते हैं। मैंने पी थी गाइस स्टिंग, तूने पी है, देख तेरा मुंह लाल क्यों है स्टिंग की तरह, दिखा तो धूप में खेला है। कितना लाल हो गया वो तेरा, तू खेला है बॉलिंग करा के बैटिंग करके। तो गाइस अभी हम खेले जा रहे हैं क्रिकेट, दो ओवर और मारा ना और मार अपन को सदी तो भाई हम जा रहे हैं स्टेडियम कुछ लाए खाने के लिए, जूस पीना साठ रुपए 40 रुपए का जूस आंदा एक गिलास, 30 रुपए का गिलास आंदा ठीक है, 40 का आता है पर मैं 30 का पी लूंगा, 30 रुपए दे दे। गाजर का जूस मैंने सेहत बनानी है तगड़ा ना, खून बनाना, कल का खून निकल गया मेरा के जाना यार ये बंदो बात कर रहे हैं नहीं आती यार मैं यार मैंने खून बनाना है, मैंने सेहत बनानी है तो जूस पीना करती, मेरा क्या जाना दे यार 3 रुपए यार टूटे पैसे, मेरे को टूटे पे नहीं है यार प्लीज देना यार, देना यार कल कितना है ना, कल 60 रुपए थे ना, 3 दे दे यार, तो दो ग्लास दे देना यार दे, दो मम्मी क्या कर रही है। गाइस फाइनली 30 रुपए मिल चुके हैं हमें जूस पीने के लिए, और अब हम जा रहे हैं स्टेडियम वापस आते रहे पियेंगे गाजर का जूस यार करो भाई। फाइनली हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं और राम हमें सुनाने वाला अभी रैप सुना दे, कुछ भी होता सही है सुना दे गाना मौत कब नहीं नहीं ये नहीं गाना यार नहीं गाना दो पूरी तरह नहीं जा खेलना अच्छा ठीक ठीक है पहले बुरी तरह रैप लिखना फिर बोल 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 सुना सुना नहीं यार फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलना है नहीं फुटबॉल नहीं आज फुटबॉल खेला, कल फुटबॉल खेला था, फुटबॉल की वजह से मुंह भी फट गया, ऊपर से ना तो ठीक से एक्सरसाइज कर पाए हम और टाइम भी ज्यादा हो गया, साधन से घर पहुंचे थे हम, आज नहीं खेला पहले बता रहा हूँ तेरे को मैं ठीक है। हाँ नहीं खेलना ओके ब्रो चलो सैर करते फिर भाई। 4 बजे निकले थे घर से, सबसे पहले आगे वेट ट्रेनिंग की, वेट ट्रेनिंग के बाद 1 घंटा फुटबॉल खेला और अभी अंदर स्टेडियम के अंदर आए हैं नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, क्रंचेस वगैरह करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। राम कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? है ना, मैं कह रहा हूँ जो भी स्पोर्ट्स की तरफ खड़ा होते हैं ना, जिनको स्पोर्ट्स का खेड़ा होता है, उनको स्टेडियम के अंदर आके इतना सही फील आती है, इतनी सही वाइब आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता यार। और इस टाइम हम भी वही फील कर रहे हैं क्योंकि हम भी यार मैं समझता हूँ यहाँ पे आना मुश्किल बात है, मुश्किल बात इन द सेंस की रजाई छोड़नी पड़ती है, आला छोड़ना पड़ता है और फिर जाके यहाँ पे आना पड़ता है। हमारे साथ भी एक मेरा कजन ही है, मासी का बेटा, वो भी वैसे बड़ा कोशिश करता है, बोलता है मैंने ये करना है वो करना है बट वो रजाई छोड़ ही नहीं पाता है ना। नन्नू की बात कर रहा हूँ, उसी लोग बोलता है करना है पर कर नहीं पाता। मोटिवेशन वाली रिले भेजता है, मोटिवेशन वाली रिले पूरी पूरी भेजेगा लेकिन वो आता नहीं है करने के लिए। भाई हम तो कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज, भाई मेरे को नहीं आती है वो करने, इतना मेरे को पता है, इसको ऐसे पकड़ते हैं भैया भर दो यार आप ही भर दो भैया, आपको ब्लॉग में ले रहा हूँ यार तो आ गया हवा भरने वाले दो बंदे भैया, आती किसको है नहीं भर रही क्या, पता ही नहीं चल रहा है कैसे भरते हैं। मम्मी बना रहे हैं अभी सूंड, ये देखो कढ़ाई रखी है कितनी बढ़िया है, अभी बना रहे हैं सुंड और रात हो चुकी है, इस टाइम 9:30 हो रहे हैं। आज की वीडियो में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया तो जो भी था दिखा दिया मैंने, आज का दिन खत्म, वीडियो खत्म, ब्लॉग खत्म, बाय बाय।